फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव जो हमारी माइंड में आ रहा होता है वो है वज़न का, क्योंकि जैसे जैसे हम देखते हैं कि सी सेक्शन होता है, पेट लटकने की जो शिकायत है वो ख़वातीन कर रही होती है कि पेट हमारा बहुत लटक जाता है। बेसिकली जिस जगह पे आपके स्टिचेस लगते हैं उस जगह का मसल जो है वो लूज़ हो जाता है। उसको टोन अप करने के लिए जो है हमें डिफरेंट एक्सरसाइजेज की ज़रूरत पड़ती है, जो आप 6 माह बाद आराम से कर सकती हैं। कुछ एहतियातों के बाद आप बेल्ट का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, जिसकी वजह से उस जगह के मसल्स जो हैं वो टोन अप होंगे। ये वो हम देखते हैं कि सी सेक्शन के बाद बहुत सारी खवातीन पंजीरी का इस्तेमाल कर रही हैं, जो देसी घी में बनी होती है, सूजी होती है। बेसिकली ये आपकी वेट गेन की तरफ लेके जाती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मारिया नदीम खान हियर। आई एम करंटली वर्किंग एट रेनबो ओबेसिटी ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर शादमान। आई हैव मोर देन 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सी सेक्शन के बाद खवातीन को कौन सी ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसके बाद उनका सेहत भी बरकरार रहे, उनका वज़न भी जो है वो काबू में आ जाए, और वज़न भी एक जो हेल्दी वेट को वो मेनटेन कर सके। तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि सी सेक्शन तक खवातीन क्यों जो है उसकी नौबत क्यों आती है, कि पहले जो तनासुब था नॉर्मल डिलीवरीज़ का वो ज़्यादा था और अब जो है ऑपरेशन का तनासुब जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इसमें जो है खवातीन की वेट का जो है एक बहुत अमल दखल है और फिज़िकल एक्टिविटी का बहुत अमल दखल है। आजकल जो खवातीन है वो उतनी ज़्यादा फिज़िकल एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से सी सेक्शन हो रहे हैं और उनकी ओबेसिटी यानी कि वो मोटापे का शिकार है, जिसकी वजह से सी सेक्शन हो रहे हैं। तो बेसिकली आपका जो प्रेगनेंसी वेट है उसको मेनटेन रखना बहुत ज़रूरी है। प्री प्रेगनेंसी वेट जो है उसको आपको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है विद द हेल्प ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। अब हम बात करेंगे कि जब सी सेक्शन हो गया है और ऑपरेशन हो गया है उसके बाद हमें क्या डाइट लेनी चाहिए। तो बेसिकली जब हमारा सी सेक्शन हो गया तो उसमें हमारे दिमाग में 2-3 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। एक तो ये कि हमारे स्टिचेस जो है वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाए, उसके लिए हमें हाई प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, यानी कि वो डाइट जिसके अंदर कीमा है, चिकन है, मटन है, ठीक है, वो हम अंडा है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना अच्छा प्रोटीन्स हमारी डाइट के अंदर होगा उतनी जल्दी हमारे स्टिचेस जो हैं वो हील अप होंगे। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव जो हमारी माइंड में आ रहा होता है वो है वज़न का, क्योंकि जैसे जैसे हम देखते हैं कि सी सेक्शन होता है, पेट लटकने की जो शिकायत है वो ख़वातीन कर रही होती है कि पेट हमारा बहुत लटक जाता है। बेसिकली जिस जगह पे आपके स्टिचेस लगते हैं उस जगह का मसल जो है वो लूज़ हो जाता है। उसको टोन अप करने के लिए जो है हमें डिफरेंट एक्सरसाइजेज की ज़रूरत पड़ती है, जो आप 6 माह बाद आराम से कर सकती हैं। कुछ एहतियातों के बाद आप बेल्ट का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, जिसकी वजह से उस जगह के मसल्स जो हैं वो टोन अप होंगे। उसमें जो डाइट है उसमें आपको बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और नाश्ता की हम बात करें तो होल वीट प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल करें। जितने वाइट फ्लावर बेस्ड चीज़ें हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, उनको कम से कम उनका इस्तेमाल करें। फिर अपनी डाइट में नट्स और सीड्स का इस्तेमाल करें, दलिये का इस्तेमाल करें, ताकि आपको देर पर जो है वो भूख जो है वो लगी जो है वो ना लगे और आपका देर तक जो है फुलनेस फीलिंग ऑफ फुलनेस रहे। तो बेसिकली और माओ को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों को दूध जो है वो अपना पिलाएं। जब वो अपना दूध पिलाएंगी, उसकी आदत डालेंगी, तो उनकी कैलोरीज जो है वो बर्न होगी और उनके लिए हेल्प होगा कि वो सी सेक्शन के बाद जो है अपना वेट जो है वो मेंटेन रख सकती है। इसके अलावा गुड फैट्स का इस्तेमाल उनकी डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि वो हम देखते हैं कि सी सेक्शन के बाद बहुत सारी खवातीन पंजीरी का इस्तेमाल कर रही हैं, जो देसी घी में बनी होती है और सूजी होती है। बेसिकली ये आपकी वेट गेन की तरफ लेके जाती है। तो बेसिकली आप जो पंजीरी का इस्तेमाल करें उसमें चीनी और गुड़ का इस्तेमाल कम से कम रखें, देसी घी का तनासुब कम से कम रखें, उसमें आप नट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसमें आप सीड्स डाल सकती हैं, फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज जो हैं वो बहुत ही मुफीद होते हैं। आप आफ्टर सी सेक्शन उनको इस्तेमाल कर सकती हैं, अपनी पंजीरी के अंदर डाल सकती हैं, अपनी स्मूदी के अंदर, अपने दलिये के अंदर उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसके अंदर आपको मल्टी वाइटमिन भी मिलेंगे, आपकी बालों की अच्छी ग्रोथ होगी, आपकी मेंटल हेल्थ जो कि प्रेगनेंसी के बाद और सी सेक्शन के बाद पेन के साथ और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में खवातीन चली जाती हैं, उसके लिए जो है आपकी ब्रेन डेवलपमेंट और ब्रेन हेल्थ और आपका स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
तो ओवरऑल हेल्थ, जहाँ हम जिस्मानी हेल्थ की बात करें तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको भी मेंटेन करना आफ्टर सी सेक्शन, इट इज़ वेरी एसेंशियल। इसके अलावा आप लोगों के कोई भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, और आप जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आप ऑनलाइन या फिजिकल कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।